हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक विटामिन डी से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस कोविड एरा में एंड पोस्ट कोविड एरा में कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी हर घर में पाई जाने लगी है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, वो यंग अडल्ट हों, अडल्ट हों या बुज़ुर्ग हों। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस एरा में सनलाइट एक्सपोजर बहुत ही कम हो गया। बच्चे एंड बड़े सारे के सारे घर में बंद होने लगे एंड बाहर निकलना ही नहीं हो पाता था, सनलाइट मिल ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से विटामिन डी सिंथेसिस बॉडी में बहुत ही कम हो गया। छोटे बच्चों में विटामिन डी डिफिशियंसी को विकेट्स बोलते हैं एंड बड़े लोगों में यही विटामिन डी डिफिशियंसी ऑस्टियोमलेशिया करता है। अब आखिर इस पॉइंट पे हमें ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि विटामिन डी अपार्ट फ्रॉम सनलाइट किस किस फूड आइटम्स में मिलता है। आखिर वो कौन सा खाने का मटेरियल है, खाने का पदार्थ है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए ताकि हमारे अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी ना हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डोजेस की, जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है। तो विटामिन डी का रिकमेंडेड डेली अलाउंस है 400 टू 800 IU डिपेंडिंग ऑन एज ग्रुप। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा एक साल से छोटा है तो 400 यूनिट पर डे की रिक्वायरमेंट है। अगर एल्डरली पॉपुलेशन को देखें तो 800 यूनिट पर डे है। ठीक इसी तरीके से अगर डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, उस केस में भी वैरी करता है डोज, एंड डोज 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं केवल फूड आइटम्स की। यहाँ पे मैं सिंथेटिकली अवेलेबल विटामिन डी की बात अभी इस वीडियो में नहीं करने जा रहा हूँ। इसके लिए कमिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियोस हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रिपरेशन है विटामिन डी का मार्केट में एंड किसको कितने कितने डोज में लेना चाहिए। तो आज बात कर रहे हैं विटामिन डी रिच फूड्स की। सबसे पहले आपको एक बात मैं बता दूं, विटामिन डी दैट इज कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है। वन इज अर्गो कैल्सिफेरॉल, सेकेंड इज कोले कैल्सिफेरॉल। अर्गो कैल्सिफेरॉल है विटामिन डी टू। ठीक इस तरीके से कोले कैल्सिफेरॉल है विटामिन डी थ्री। जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं इससे हमें मिलता है विटामिन डी थ्री, प्लस सनलाइट के एक्सपोजर से भी हमें मिलता है विटामिन डी थ्री। यहीं अगर हम लोग प्लांट सोर्स की बात करें तो हमें मिलता है विटामिन डी टू। एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, अगर आप विटामिन डी थ्री एंड डी टू को कंपेयर करोगे तो विटामिन डी थ्री का एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है बॉडी में, इसलिए प्रिफरेबली विटामिन डी थ्री के फॉर्म में हमें विटामिन को लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, ना कि हमें विटामिन डी टू के सोर्सेज पर रिलाई। कहने का ये मतलब है कि हमें एनिमल सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए दैन प्लांट सोर्सेज एज फार एज विटामिन डी इज कंसर्न। तो देखते हैं सबसे पहले जो फूड आइटम आपको रिचेस्ट सोर्स है, दैट इज फिश, बॉयली फिश या फैटी फिश। खासकर सालमन का नाम हमेशा इसमें आता है। सालमन फिश के फ्लैश में अगर आप 100 ग्राम सालमन फिश फ्लैश लेते हो तो 522 इंटरनेशनल यूनिट ये आपको प्रोवाइड करेगा। जैसा मैंने आपको बोला कि 400 टू 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आपकी RDA है, पर डे आपकी रिक्वायर्ड डेली अलाउंस है। तो अगर आप 100 ग्राम ऑफ सालमन फिश डेली खाते हो तो आपको किसी भी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, इवन सनलाइट एक्सपोजर की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आपका सबसे पहला सालमन फिश। इसके अलावे डिफरेंट वराइटीज ऑफ फिश भी अवेलेबल है मार्केट में एंड डिफरेंट वराइटीज में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में विटामिन डी अवेलेबल है। तो रिचेस्ट सोर्स हो गया आपका फिश। अब आते हैं अपने सेकेंड सोर्स पे। सेकेंड सोर्स है चीज, बटर, एग। मिल्क की बात मैं थोड़ी देर के बाद। एग की अगर बात करें तो एग में भी अच्छा खासा विटामिन डी मिल जाता है। 2 अंडे अगर आप लो, 1 एग मेजरिंग अबाउट 60 ग्राम्स, तो 2 एग मतलब 120 ग्राम करीब 90 इंटरनेशनल यूनिट आपको डी आपको देता है। मीन्स 2 अंडे अगर आप पर डे खाते हो तो 90 यूनिट्स आपके बॉडी में चला जाए। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम है बटर। बटर को अगर आप देखो तो 60 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम आपको प्रोवाइड करता है। चीज़, बच्चे बहुत पसंद करते हैं चीज़ एंड डिफरेंट बंस के साथ एंड ब्रेड्स के साथ चीज़ को अप्लाई कर खाना भी पसंद करते हैं। चीज़ में पर 100 ग्राम करीब 24 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी आपको मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अब अगर बात करें हम लोग मिल्क की,
मैं एक मिसकॉन्सेप्शन जो कि सोसाइटी में फैली है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं आज इस वीडियो के माध्यम से कि मिल्क विटामिन डी का अच्छा सोर्स नहीं है। अच्छा सोर्स तो छोड़ो, ये कोई सोर्स ही नहीं है विटामिन डी का। लेकिन सोसाइटी में एक ये मिथ फैली हुई है कि मिल्क से विटामिन डी बहुत मिलता है, इसलिए इस चीज़ को जान लें आज इस वीडियो के माध्यम से। विटामिन डी मिल्क के अंदर मात्र 1 इंटरनेशनल यूनिट मिलेगा 100 ml मिल्क में। अगर आप 100 ml मिल्क कंज्यूम करते हो तो 1 इंटरनेशनल यूनिट आपको मिलेगा, जो कि नाक के बराबर है। तो आप मिल्क लो या आप ना लो, डजंट मैटर, आपको विटामिन डी नहीं मिलने जा रहा है दूध से। अब चाहे वो काउ मिल्क हो, वो बफेलो मिल्क हो, वो गोट मिल्क हो, इवन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में भी विटामिन डी बहुत ही लो क्वांटिटी में मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा वो बच्चे जो एक्सक्लूसिवली प्रीडोमिनेंटली ब्रेस्ट फीडिंग में होते हैं, कहीं ना कहीं उनको बाद में जाके विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स मैनिफेस्ट करता है। तभी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने IAP ने बोल रखा है कि हर बच्चों को, न्यूली बॉर्न बेबी को टिल 1 ईयर ऑफ एज 400 यूनिट विटामिन डी ज़रूर दिया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बच्चे होने जा रहे हैं ब्रेस्ट फीड पे रहेंगे, एंड ब्रेस्ट फीड पे रहेंगे तो विटामिन डी इनको मिलेगा। तो ये बात आपके ब्रेन में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि मिल्क इज अ वेरी पुअर सोर्स ऑफ विटामिन डी। वो कौन सा मिल्क है, क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि वो कौन सा मिल्क है जिसमें विटामिन डी बहुत मिलता है, आखिर वो किस मिल्क की बात की जाती है। तो दैट इज फोर्टिफाइड मिल्क। आपको पता होना चाहिए अगर फोर्टिफाइड मिल्क है तो करीब 100 इंटरनेशनल यूनिट आपको 100 ml मिल्क में मिल जाता है। लेकिन हर मिल्क फोर्टिफाइड नहीं होता है। आपको मार्केट से अगर लेना है तो आपको देखना होगा कि वो फोर्टिफाइड मिल्क है या नहीं है। जहाँ तक हमारे यहाँ की बात है, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन ऑफ मिल्क बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में मिलता है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करो, जहाँ पे सनलाइट वैसे भी बहुत कम होता है, वहाँ पे आपको फोर्टिफाइड मिल्क मिलेगा दैट इज़ कंटेनिंग 100 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ml। वो मिल्क ठीक है, इवन वहाँ तो ऑरेंज जूस में भी आप देखो फोर्टिफिकेशन किया जाता है, एंड विटामिन डी वहाँ भी आपको दे दिया जाता है। यहाँ पे ऑरेंज जूस में कोई विटामिन डी नहीं देता है आपको, या देता भी है तो बहुत थोड़े से क्वांटिटी में आपको मिलता है। तो इसलिए ये बात आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था कि मिल्क इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। माना कि मिल्क के अंदर कैल्शियम ठीक सा मिल जाता है एंड फॉस्फोरस का अमाउंट भी अच्छा मिल जाता है, बट विटामिन डी एंड कैल्शियम दोनों सेम नहीं है। तो इस सेशन को कंक्लूड करते हुए मैं जस्ट एक बार रिवाइज कर दूं, मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट एक्सपोजर कितना होना चाहिए, कब का होना चाहिए, जस्ट कमिंग वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सेकेंडली जो फूड सोर्सेज हैं, इसमें एनिमल सोर्सेज पे हमें ज़्यादा रिलाई करना है, फॉर एग्जाम्पल फिश पे, बॉयली एंड फैटी फिश पे, फॉलोड बाई थोड़ा चीज़, थोड़ा बटर, थोड़ा एग, थोड़ा मिल्क में विटामिन डी मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मशरूम एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का। याद रखें, अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं, वेगन्स हैं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, तो आप मशरूम डेली रख सकते हैं अपने डाइट में, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा विटामिन डी को इंक्रीज करने में। रह गई इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी जानकारी की आपको ज़रूरत हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें, आंसर आपको हर बात की तरह मिल जाएगा। एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। लाइक का बटन दबा दें, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।